जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9, 11 और क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों के लिए कुल मिलाकर के तीन महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें पहला अपडेट है कि 8वीं से इंटर तक की परीक्षा आगे भी दो टर्म में होगी, दूसरा अपडेट है कि सरकारी स्कूलों में अब 6 परीक्षाएँ होगी और तीसरा अपडेट है कि जैक 10वीं का रिजल्ट जारी होते ही इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू, अब एडमिशन टाइम। और दोस्तों मैं इस वीडियो में इन तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी छात्रों को बताऊंगा, इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों का जो पहला अपडेट है उसे देखें। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8वीं से इंटर तक की परीक्षा दो टर्म में होगी, यानी कि वर्तमान समय में जिस तरह से आप सभी छात्रों का एग्जाम दो टर्म में हो रहा है, ठीक उसी तरह से भविष्य में भी होगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि रांची, यानी कि यह जो अपडेट है रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य में कक्षा 8 से लेकर इंटरमीडिएट तक की परीक्षा आगे भी दो टर्म में लेने की तैयारी है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। यानी कि आप सभी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के छात्रों का जो एग्जाम दो टर्म में होगा, तो इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बहुत जल्द ही आपके लिए पूरा गाइडलाइन जारी करेगा। और इसमें आगे दिया हुआ है कि विभागीय स्तर पर इस पर सहमति बन गई है, यानी कि सरकार की ओर से सहमति बन गई है कि आप सभी छात्रों के एग्जाम को दो टर्म में लेना है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में ली जाएगी। आप सभी छात्रों का पहला टर्म का एग्जाम कब होगा? नवंबर या दिसंबर में। आगे कि वहीं मैट्रिक व इंटर के दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में व कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की दूसरे चरण की परीक्षा मई में होगी। तो यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो गया है कि मैट्रिक के छात्रों का बोर्ड एग्जाम कब होगा फर्स्ट टर्म का, और वहीं पर 8, 9 और 11 के छात्रों का कब होगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि दोनों परीक्षा 40-40 अंक की होगी, जिस तरह से वर्तमान समय में हो रहा है। आगे इसमें दिया हुआ है कि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट आपका कितना का होगा? 20 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म 40 होगा, सेकेंड टर्म 40 होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 80 हुआ, और वहीं पर इंटरनल असेसमेंट में कितना है? 20 नंबर, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा कुल मिलाकर के 100 नंबर का होगा हर विषय का। दोस्तों आगे इसके बाद हम लोग इसमें बढ़ें तो लिखा हुआ है कि प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। यानी कि वर्तमान समय में जिस ढंग से आप सभी छात्रों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम OMR सीट पर हुआ, उसी तरह से आपका अगला साल भी OMR सीट में होगा। वहीं पर सेकेंड टर्म का एग्जाम जिस ढंग से उत्तर पुस्तिकाओं में लिया गया सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में, तो उसी तरह से भविष्य में भी आप सभी छात्रों का जो है सेकेंड टर्म का एग्जाम उत्तर पुस्तिकाओं पर लिया जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है कि दोनों चरण के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जिस ढंग से वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस के छात्रों का रिजल्ट आ चुका है, वहीं पर इंटरमीडिएट कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों का रिजल्ट आना है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए पाठ्यक्रम को दो भाग में बांटा जाएगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसको दो भागों में, यानी कि 50-50% में बांटा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण अपडेट को देख लिया कि आप से जितने भी क्लास 8 से लेकर के 12 तक के छात्र हैं, तो आपका जो भविष्य में बोर्ड एग्जाम होगा तो वो आपका दो टर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे अपडेट को देखें। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि सरकारी स्कूलों में अब 6 परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी झारखंड बोर्ड के सरकारी विद्यालय के बच्चों का अब साल में 6 एग्जाम लिए जाएंगे। और सबसे ऊपर में दिया गया बदलाव, कक्षा 1 से 7 तक के विद्यार्थियों के लिए नया परीक्षा प्रारूप तैयार, यानी कि क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्रों का भविष्य में जितना भी एग्जाम होगा, यानी कि 2023, 2024, 2025 में, तो उसके लिए नया परीक्षा का प्रारूप तैयार किया गया है। जिसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बॉक्स में दिया हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। क्या दिशा निर्देश है आगे हम लोग देखेंगे। आगे की SA1 की परीक्षा नवंबर व 2 की परीक्षा मई में ली जाएगी। आपसी छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम है उसको SA1 और SA2, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में बांटा गया है। और इसका एग्जाम जो हम लोग देख रहे हैं, पहले टर्म का एग्जाम नवंबर 2023 में होगा, वहीं पर दूसरा एग्जाम आपका मई 2023 में होगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं दिया हुआ प्रमुख संवाददाता रांची, यानी कि यह अपडेट भी रांची से ही प्रकाशित हुआ है प्रभात खबर में, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को अब वर्ष भर में 6 परीक्षाएं होगी। आगे की स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है और हर 3 माह पर 1 परीक्षा होगी और 3 माह पर ली जाने वाली कुल 4 परीक्षाएं होगी, यानी कि 3-3 महीने पर 4 एग्जाम होगा। वहीं पर इसके अलावा 6 माह पर 2 परीक्षा ली जाएगी, SA1 और SA2, यानी कि कुल मिलाकर के साल में आपका कितना एग्जाम हो जाएगा, 6 एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है कि 100% नामांकन वाले स्कूल पुरस्कृत होंगे, यानी कि जिन जिन विद्यालयों में 100% एडमिशन होगा उन स्कूलों को झारखंड सरकार पुरस्कार देगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के सत्र को लेकर के इसमें दिया गया है, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा और कक्षा 8वीं, 9वीं, 11वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद रिजल्ट के पूर्व ही कक्षा शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जितने भी क्लास 8, 9, 11 के स्टूडेंट फिलहाल यहां पर हैं तो उन सभी छात्रों का जो नेक्स्ट क्लास आएगा यानी कि क्लास 9, 10, 12 तो उसका जो आपका पढ़ाई है वो जुलाई में ही शुरू हो जाएगा आपके रिजल्ट के आने से पहले। और दोस्तों आप सबों को मैं बता दूं कि जितने भी क्लास 8, 9 और 11 के छात्र हैं तो आप सभी छात्रों का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जुलाई के अंत में आप फिर कहें कि अगस्त में आएगा, लेकिन आपका पढ़ाई जो है 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 14, 15, 16 जुलाई तक चल रहा है, तो पूरी संभावना है कि आपका जो क्लास है वो 20 जुलाई के आसपास से शुरू हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपसे झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा अपडेट जो हम लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें दिया गया कि जैक यानी कि झारखंड एकेडमी काउंसिल 10वीं का रिजल्ट जारी होते ही इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब एडमिशन टाइम यानी कि क्लास 10 में जिन जिन छात्रों ने 1st, 2nd, 3rd डिवीजन से पास किया है तो इन सभी छात्रों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और विभिन्न कॉलेजों या फिर +2 हाई स्कूलों में इसके लिए तिथि भी जारी कर दिया है, फॉर्म भी जारी होना शुरू हो गया है और इसके लिए डेट भी जारी कर दिया गया है कि किस कॉलेज में कब तक फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और साथ ही साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा यानी कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट एडमिशन में लगेगा वो भी दिया गया है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है कि जैक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया, ये आप लोग भी जान रहे हैं और आपको पता भी चल गया है कि कौन सा छात्र पास हुआ, कौन फेल हुआ, किसका कितना परसेंट आया, कौन 1st, 2nd, 3rd हुआ है। दोस्तों आगे इसमें है कि इसी के साथ जैक से संबद्ध सरकारी +2 स्कूल व इंटर कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि आपका एडमिशन फॉर्म निकलना हो या फिर तिथि जारी करना हो या फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी सूचना हो, वो सारा चीज आना शुरू हो गया है। आगे है कि इन स्कूलों व कॉलेजों की कई स्कूलों व कॉलेजों की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म, फॉर्म की कीमत, कट ऑफ मार्क्स, प्रथम मेधा सूची की तिथि जैसी अहम जानकारी उपलब्ध कर दी गई है, यानी कि आपका फॉर्म कब तक अप्लाई होगा, क्या फी लगेगा या फिर कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, वो सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है। आगे की कई +2 स्कूल व इंटर कॉलेजों में सीधा नामांकन का भी मौका है, यानी कि उसमें अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 पास छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट था। वहीं पर जो क्लास 12 पास छात्र हैं तो आपसे छात्रों के लिए झारखंड का जो चांसलर पोर्टल है वो अभी खुला नहीं है, वो खुलेगा, इसके बाद आपसे छात्र ऑनलाइन उसमें अप्लाई करेंगे और किस किस कॉलेज में किस फैकल्टी में एडमिशन लेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में ऑनर्स क्या रखेंगे, वो सारा ऑप्शन उसमें दिया गया है। आप लोग वहां पर जैसे ही खुलेगा तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 1 से लेकर
लेकर के 7 तक, साथ ही साथ मैट्रिक, इंटरमीडिएट और क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए तीन तीन महत्वपूर्ण अपडेट थे। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, VBI प्रश्नों का उत्तर होता है या फिर मॉडल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक भेजता रहता हूँ। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।